हमें स्वतंत्र मधेश ही क्यों चाहिए? तो सबसे पहली बात है, जब हम औपनिवेशिक शासन में जी रहे हैं, जब यहां पर परतंत्रता है, तो उसका समाधान एक ही है, स्वतंत्रता, आजादी। यानी कि मान लीजिए कोई बाहर के लोग आकर आपके हाथ उल्टा करके बांध दिया है, तो उसका एक ही समाधान है कि आप उस हाथ को पहले खोलिए। उसका यह समाधान नहीं है कि कोई आदमी आपको सांझ और सवेरे खाना दे। उसका समाधान यह नहीं है कि कोई तीसरा आदमी आकर आपका कपड़ा बदल दे। उसका समाधान यही है कि आप अपने हाथ को पहले खोलिए। वही बात है, यहां पर अभी हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हमारे हाथ को नेपाली फिरंगियों ने आकर बांध दिया है। इसीलिए हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए अपने हाथ को खोलना, आजादी पाना, स्वतंत्रता लाना, मधेश देश को स्वतंत्र बनाना। वही प्राकृतिक समाधान है। और हमारे हाथ सचमुच में बंधे हुए हैं। मान लीजिए जितना राजस्व मधेश से उठता है, विराटनगर नाका, बीरगंज नाका, अन्य नाका से जितना भी राजस्व उठता है, क्या उसे हम प्रयोग कर सकते हैं? राजस्व उठा है मधेश से, लेकिन मधेशी उसे प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। नेपालियों ने हमारे हाथ बांध दिए हैं और यहां से जो कुछ है, जो चीज यहां पर है, वो खुद ले जा रहे हैं। राजस्व उठा, राजस्व ले जा रहे हैं। मालपोत पानीपोत उठता है, वो ले जा रहे हैं। साधन स्रोत जो भी है वो ले जा रहे हैं। जंगल था, कटा के वो ले जा रहे हैं। कल यहां पर कोई खानी निकलेगा, पेट्रोल का खानी ही निकल गया, तो हम मधेशी उसे प्रयोग नहीं कर पाएंगे। वो नेपाली शासक यहां से सब कुछ उठा के लेके जाएगा, यहां पर सब पेट्रोल को वो लोग बेच के खाएगा। यहां पर मधेश के नदी में से पानी निकाला गया, लेकिन वह बेचकर फायदा लिया नेपाली शासक ने। मधेश के अपने ही खेत में पानी, खुद का पानी प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। राजस्व हमारा है, लेकिन हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मधेश की नदियों में पानी हमारा है, लेकिन हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, वो बेच दे रहा है। मधेश का जंगल हमारा है, लेकिन हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो वही बात है। तो हमारे हाथ अगर बंधे हुए हैं, तो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए कि हम अपने हाथ को पहले खोलें। किसी से भीख में दो वक्त की खाना न मांगे, दो टुकड़ा रोटी नहीं मांगे। किसी और से दो टुकड़ा रोटी मांगना समाधान नहीं है, हमारे अपने हाथ खोलना समाधान है। यह पहला कारण है कि हम आजाद होना चाहते हैं, मधेश क्यों स्वतंत्र चाहिए, यह पहला कारण। दूसरा कारण है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मधेश में आज अपनी सेना नहीं है। मधेश में जो 95% से ज्यादा सेना मौजूद है, वो मधेश के बाहर से आए हुए फिरंगी लोग हैं, वह फिरंगी सेना है। तो उस फिरंगी सेना को वापस करके उस जगह पर मधेशी सेना बनाने के लिए स्वतंत्र मधेश चाहिए। मधेश स्वतंत्र बनने के बाद, मधेश आजाद होने के बाद ही उस फिरंगी नेपाली सेना को यहां से वापस करके उस जगह पर मधेशी सेना बनाई जा सकती है। और जब तक वह फिरंगी सेना वापस नहीं होती है, तब तक आप कितना भी संविधान बना लीजिए, कितना भी नियम कानून बना लीजिए, कितना भी अधिकार ले लीजिए, कोई मायना नहीं रखता। क्योंकि संविधान उसी का होता है जिसके पास सेना होती है। और जिसके पास अपनी सेना नहीं, उसका कोई संविधान, कोई नियम कानून, कोई कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि आप चाहे संविधान में जितना भी अधिकार लिखा लेंगे, वह फिरंगी नेपाली सेना लगाकर पल भर में, वह चुटकी भर में, वह सारे अधिकार को निलंबन किया जा सकता है। और इसीलिए मधेशियों को अगर अधिकार चाहिए, तो सबसे पहली बात है उसकी अपनी सेना चाहिए। और वह सेना बनाने के लिए मधेश को स्वतंत्र होना होगा। तीसरा कारण है,
कि मधेश में जो औपनिवेशीकरण हो रहा है, पहाड़ी लोग जो है, नेपाली शासक वर्ग जो है, पहाड़ से आकर यहां पर हमारी जमीन कब्जा करके बैठे जा रहे हैं और हम पर कब्जा जमा रहे हैं, उसे रोकने के लिए मधेश को स्वतंत्र होना ही होगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। मधेश स्वतंत्र होने के बाद ही नेपाली शासक वर्ग का यहां आने का क्रम रुक सकता है, तभी ही नेपाली शासक वर्ग यहां पर आकर कब्जा नहीं जमा सकते हैं। नहीं तो पिछले 60 वर्ष में हमने देख ही लिए हैं कि 6% से वे लोग कैसे 36% यहां पर हो गए हैं, किस तरह मधेश की भूमि पर लगभग कब्जा जमा चुके हैं। और अगर और 10 वर्ष 20 वर्ष उनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो पूरे के पूरे मधेश पर वो लोग कब्जा जमा लेंगे और मधेशी अपनी ही भूमि पर भूमिहीन होकर, राज्यविहीन होकर, शरणार्थी बनकर जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए वह आप्रवासन का क्रम रोकने के लिए, पहाड़ियों का आने का क्रम और कब्जा करने का जो क्रम है मधेश में, उसे रोकने के लिए मधेश को स्वतंत्र ही बनाना पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है जिससे यह रोका जा सके। चौथा कारण है, हम सभी जानते हैं कि आज नेपाली साम्राज्य में मधेशियों को अधिकांश नौकरी नहीं दी जाती है और इसी कारण से एक योग्य मधेशी युवा दर दर भटकते फिर रहे हैं। तो मधेश की जितनी भी नौकरी है वह मधेश वासियों को ही मिलने की गारंटी के लिए मधेश को स्वतंत्र देश ही बनना पड़ेगा। यानी स्वतंत्र मधेश बनने के बाद ही इस बात की गारंटी हो सकती है कि मधेश में जितनी भी नौकरियां हैं वह मधेश वासियों को ही मिलेगी, तभी ही जाकर मधेशी लोग ही मधेश के सीडीओ बन पाएंगे, एसपी बन पाएंगे, मधेश के कर्मचारी बन पाएंगे, तभी ही यह जाकर हो सकेगा। नहीं तो खाली प्रदेश बनाने से या अन्य किसी समाधान से यह संभव नहीं है। तब पहाड़ी लोग ही, नेपाली शासक वर्ग ही यहां पर आकर मधेश की भी नौकरी लेते रहेंगे। पांचवा कारण है, हम सभी जानते हैं मधेशियों के लिए नागरिकता बहुत ही अहम रहा है। तो वह नागरिकता नीति, विदेश नीति और सुरक्षा नीति तभी मधेशियों के अपने हाथों में आ सकती है जब मधेश स्वतंत्र होगा। नहीं तो सदैव सदैव यह तीनों चीज नेपाली शासक वर्ग के हाथों में ही रहेगी और मधेशियों को कभी वह अधिकार मिल नहीं पाएगा। यानी कि मधेश जब तक आजाद नहीं होता है तब तक नेपाली शासक वर्ग ही ये बात निर्धारण करते रहेंगे कि किस मधेशी को नागरिकता मिलना है, किसको नहीं, या किस मधेशियों की नागरिकता खारिज करना है। यह नेपाली शासक वर्ग, वही फिरंगी लोग ही निर्धारित करते रहेंगे। यानी ये तीनों चीज उनके ही हाथों में रहेगी। इसका नियंत्रण, इन तीनों चीज का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए मधेश को आजाद होना होगा। छठा कारण है कि मधेश में जितने साधन स्रोत हैं, जितने खानी है, जंगल है, जल है, जमीन है, राजस्व जो उठता है, इन सारे साधन स्रोत पर मधेशियों का पूर्ण रूप से नियंत्रण रखने के लिए, मधेशियों का पूर्ण स्वामित्व, पूर्ण अधिकार कायम करने के लिए मधेश को स्वतंत्र होना ही होगा। तभी ही यहाँ के जितने भी साधन स्रोत है, जल, जमीन, जंगल है, राजस्व है, वैदेशिक अनुदान मिलेगा, उस पर मधेशियों का पूरा पूरा नियंत्रण रह सकता है, पूरा पूरा अधिकार मिल सकता है, तभी जब मधेश आजाद होगा। और सातवां कारण है कि कोई भी छोटा अधिकार हो या बड़ा अधिकार, कोई भी अधिकार स्थायी रूप से पाने के लिए, परमानेंट रूप से पाने के लिए मधेश को स्वतंत्र होना ही होगा। नहीं तो जब हम आंदोलन करते हैं तो कुछ दिन के लिए हमें अधिकार दे देता है, लेकिन जैसे हम शांत होते हैं तो वह अधिकार हमसे पुनः छीन लेता है। तो नेपाली साम्राज्य में अधिकार पाने का ज्यादा मायना नहीं है। वो संविधान में चाहे कुछ लिखा दे, ज्यादा मायना नहीं रखता है, क्योंकि जैसे हम शांत होते हैं दिया हुआ अधिकार भी
वह छीन लेता है। अंतरिम संविधान में समानुपातिक समावेशी का प्रावधान था, नागरिकता का भी अच्छा खासा प्रावधान था, लेकिन आज वे सारे अधिकार भी हमसे छीन लिया गया। जब 63-64 साल में मधेशियों ने आंदोलन किया तो अधिकार संपन्न स्वायत्त मधेश प्रदेश तो दे दिया था, लेकिन जैसे हम शांत हुए वह दी हुई चीज भी हमसे छीन ली गई। तो कोई भी अधिकार यहां पर स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है नेपाली साम्राज्य में। और तो और मधेशियों को दी हुई नागरिकता भी जो है यह नेपाल सरकार छीन लेती है। सन 1997 में हजारों हजार दसों हजार की संख्या में मधेशियों की नागरिकता छीन ली गई। यानी कि नागरिकता जैसे आधारभूत अधिकार भी देने के बाद भी, एक बार देने के बाद भी हमसे छीन लिया जाता है, तो और दूसरे अधिकारों की बात क्या करेंगे। इसीलिए कोई भी अधिकार परमानेंट रूप में, स्थायी रूप में पाने के लिए हमें स्वतंत्र मधेश ही हासिल करना होगा, तभी ही कोई स्थायी समाधान हमें मिल पाएगा। और संघीयता जो है, या स्वायत्त मधेश प्रदेश कहिए, वह औपनिवेशिक समस्या का समाधान नहीं है। औपनिवेशिक समस्या का समाधान केवल आजादी है। तो सबसे पहले हम बुदागत रूप में देखते हैं कि संघीयता क्या कर सकती है। सबसे पहली बात, क्या संघीयता आ जाने से मधेश में जो फिरंगी सेना मौजूद है, मधेश में जो 95% से ज्यादा सेना मधेश के बाहर से आई हुई फिरंगी नेपाली सेना है, उसे वापस कर सकती है और उस जगह पर मधेशी सेना बना सकती है? बिल्कुल नहीं। संघीयता आने पर भी सेना जो है सदैव केंद्र के मातहत में रहेगी। सेना केंद्र की होती है, प्रदेश की नहीं। तो मधेश प्रदेश बन जाने पर भी मधेश में जो फिरंगी सेना मौजूद है उसे वापस नहीं कर पाएंगे और उस जगह पर मधेशी सेना आप कभी नहीं बना पाएंगे। और जब तक वह नहीं बनाते आप, जब तक आपकी मधेशी सेना नहीं होती, तब तक आप जितना भी अधिकार ले लेंगे, जो भी कुछ लिखा लेंगे, कुछ मायना नहीं रखता है। दूसरी बात, जिस तरह से नेपाली शासक वर्ग के लोग मधेश में आकर मधेश की भूमि ऊपर कब्जा जमा रहे हैं, जिस तरह से पिछले 60 वर्ष में ही 6% से बढ़ के वो लोग 36% से ज्यादा हो गए हैं, क्या उस कब्जा करने के क्रम को आप संघीयता लाकर मधेश प्रदेश बनाकर रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्योंकि मधेश प्रदेश बन जाने के बाद भी पहाड़ी लोग उस प्रदेश में आते रहेंगे, जमीन खरीदते रहेंगे, जमीन पर कब्जा जमाते रहेंगे और बसते रहेंगे, और तब ज्यादा बसेंगे, क्योंकि कहेगा भाई मधेश प्रदेश तो बना लिया, और वहां पर हमारा अपना आदमी नहीं रहेगा तो वहां पहाड़ी लोग कैसे जीतेंगे, पहाड़ी लोग का वर्चस्व कैसे कायम रहेगा। इसीलिए मधेश प्रदेश बन जाने के बाद और ज्यादा पहाड़ी लोग उस पर कब्जा जमाने के लिए आएंगे और ज्यादा लोग मधेश में कब्जा जमाएंगे। तो वह क्रम, वह कब्जा जमाने का क्रम आप रोक नहीं सकते हैं मधेश प्रदेश बनाकर। उसके लिए स्वतंत्र मधेश ही चाहिए। स्वतंत्र मधेश बनने के बाद ही पहाड़ी लोग का आने का क्रम रुक सकता है, मधेश पे कब्जा करने का क्रम तभी रुक सकता है। तीसरी बात है, क्या मधेश प्रदेश बनाकर ही मधेश में जो नौकरियां है वह केवल मधेश वासियों को ही मिलने की गारंटी आप कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्योंकि मधेश प्रदेश में जितने भी नौकरियां हैं, जो भी कर्मचारी रहेंगे, वो पहाड़ी रह सकते हैं। मधेश की सारी नौकरियां पहाड़ी लोग आकर ले सकते हैं। उखलढुंगा से, तापलेजुंग से, हुमला जुमला से लोग आकर यहां पर मधेश प्रदेश में नौकरी कर सकेंगे। तो यानी कि मधेश प्रदेश बन जाने के बाद भी उसमें मधेशियों को ही नौकरी मिलने की
गारंटी बिल्कुल नहीं रहेगी। यहां तक कि जितने भी सीडीओ रहेंगे, जितने भी एसपी डीएसपी रहेंगे, सभी पहाड़ी ही रह सकते हैं। उतना ही नहीं, मधेश का जो मुख्यमंत्री बनेगा वह कोई भी हो सकता है। वह उखलडुंगा ताबलेजुंग से, हुमला जुमला से, दुलखा से कोई भी आकर यहां पर मुख्यमंत्री बन सकता है। संघीयता का उदाहरण हमारे पड़ोस में ही है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली का तो नहीं है, लेकिन आज दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हुआ है। उसी तरह यहां पर भी, मध्य प्रदेश में भी कोई भी कहीं से आकर यहां पर मुख्यमंत्री बन सकता है। हो सकता है कल वामदेव गौतम भी यहां पर आकर मुख्यमंत्री बन सकता है। तो मधेश में, मधेश वासियों को ही नौकरी मिलने की गारंटी तभी हो सकती है जब मधेश आजाद होगा, तभी ही उस बात की गारंटी हो सकती है। चौथी बात है, हम सभी जानते हैं मधेशियों के लिए नागरिकता बहुत ही अहम रहा है। तो मधेश प्रदेश बनने के बाद नागरिकता नीति, सुरक्षा नीति, विदेश नीति मधेशियों के हाथों में चली आएगी? बिल्कुल नहीं। नागरिकता नीति सदैव केंद्र के पास रहती है, यानी किसको नागरिकता देना है, किसको नहीं देना है, किसका नागरिकता खारिज करना है, वह नेपाली शासक लोग निर्धारण करेंगे। मधेश प्रदेश बन जाने के बाद भी किसको नागरिकता देना है, किस मधेशियों की नागरिकता खारिज करना है, किसको नहीं देना है, यह बात जो है नेपाली शासक लोग निर्धारण करेंगे, मधेशी नहीं कर पाएंगे। मधेशी लोग तभी ही अपनी नागरिकता के विषय में, अपनी विदेश नीति, अपनी सुरक्षा नीति के विषय में निर्धारण कर पाएंगे जब मधेश स्वतंत्र होगा। पांचवी बात है, मधेश का जो साधन स्रोत है, जल, जमीन, जंगल, राजस्व, वैदेशिक अनुदान जो है, क्या संघीयता आने से, क्या मधेश प्रदेश बन जाने से उस पर मधेशियों का पूर्ण अधिकार कायम होगा? बिल्कुल नहीं। मधेश में जो खानी है वह केंद्र के मातहत ही रहेगा। मधेश के जल, जमीन, जंगल पर भी केंद्र का ही नियंत्रण रहेगा। यहां तक कि राजस्व भी सीधे केंद्र को जाने का प्रावधान है। वैदेशिक अनुदान भी सीधे केंद्र को ही मिलेगा। यानी कि मधेश प्रदेश बन जाने के बाद भी यहाँ के जो जल, जमीन, जंगल है, यहाँ की जो खानी है, यहाँ पर जो राजस्व उठेगा, यहाँ पर जो वैदेशिक अनुदान आएगा, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, मधेशियों का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। उस पर पूरा का पूरा कब्जा केंद्र का ही रहेगा, नेपाली शासकों का ही कब्जा रहेगा। तो संघीयता या मधेश प्रदेश के बनने से वो भी समाधान नहीं हो रहा है। वह तभी उस पर हमारा पूरा नियंत्रण हो सकता है, तभी उस पर हमारा पूरा अधिकार कायम हो सकता है जब मधेश स्वतंत्र होगा। छठी बात है, मधेश प्रदेश बन जाने से मधेशियों को कोई भी अधिकार स्थायी रूप से प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि मधेश की जो प्रादेशिक सभा या मधेश सरकार रहेगी उसे भी केंद्र कभी भी बर्खास्त कर सकता है, कभी भी राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो यहां पर जब प्रदेश सभा और सरकार की गारंटी नहीं है तो और अधिकार की क्या गारंटी है? तो कोई भी चीज यहां पर स्थायी रूप से, परमानेंट रूप से कोई भी अधिकार मधेशियों को मधेश प्रदेश बन जाने से नहीं मिल सकता है। और सातवीं बात है कि खाली मधेश प्रदेश बन जाने से मधेशियों को आजादी नहीं मिलेगी, आत्मसम्मान नहीं मिलेगा, उसकी राष्ट्रीयता ऊपर सदैव शंका की ही जाएगी, क्योंकि मधेशियों को अपना राष्ट्र, मधेश राष्ट्र नहीं मिलेगा। और जब तक मधेश राष्ट्र नहीं बनता है तब तक मधेशियों के पास राष्ट्रीयता नहीं रहेगी, और जितना भी चाहे वह नेपाली बनने की कोशिश कर ले, वह नेपाली कभी नहीं बन सकता है। उनकी नेपाली राष्ट्रीयता पर सदैव शंका किया ही जाएगा, क्योंकि वह नेपाली है ही नहीं। तो मधेशियों को राष्ट्र दिलवाने के लिए मधेश को स्वतंत्र देश बनना ही पड़ेगा, तभी हरेक मधेशियों के पास अपनी राष्ट्रीयता होगी, मधेशी राष्ट्रीयता होगी, जिस पर कोई शक नहीं कर पाएगा। तो हमने साफ साफ देखा है कि संघीयता या मधेश प्रदेश
कोई भी आधारभूत समस्या का समाधान नहीं दे रहा है। यह तो एक भूल भुलैया है, जिस भूल भुलैया में हम भूलकर 65 बरस गंवा चुके हैं। 65 बरस से उसी संघीयता के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उसी संघीयता के लिए बलिदानी देते आए हैं, लेकिन हमें मिला कुछ भी नहीं। यहां तक कि जो अधिकार मिला था वह अभी खो गया। तो अब उस भूल भुलैया में हमें नहीं रहना है और हमें स्वतंत्र मधेश के लिए आगे बढ़ना है। यही बात हमें याद रखना होगा। और इसी के लिए हम सब ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है स्वतंत्र मधेश गठबंधन का। इसका लक्ष्य है शांतिपूर्ण मार्ग द्वारा मधेश की आजादी। और इसका 3 आधार स्तंभ है। पहला है स्वतंत्र मधेश, दूसरा है लोकतांत्रिक व्यवस्था और तीसरा है शांतिपूर्ण एवं अहिंसात्मक मार्ग। यानी कि यह 3 आधार स्तंभ है जिस पर स्वतंत्र मधेश गठबंधन खड़ा हुआ है और यह अपरिवर्तनीय है। इस पर हम सब कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। स्वतंत्र मधेश हमारा एकमात्र लक्ष्य रहा है। इस पर कोई कंप्रोमाइज की, कोई समझौता की कोई गुंजाइश नहीं है। और इन तीनों आधार स्तंभ पर आस्था रखने वाले, इन तीनों आधार स्तंभ को मानने वाले कोई भी व्यक्ति, संघ, संगठन या राजनीतिक पार्टी इस गठबंधन में समावेश हो सकते हैं। यह गठबंधन कोई एक पार्टी नहीं है या कोई चुनाव में लड़ने वाली पार्टी नहीं है। यह एक साझा प्लेटफॉर्म है जिसका लक्ष्य है मधेश को आजाद करना। यह एक संरचना है। जिस तरह से एक देश को चलाने के लिए संरचना की आवश्यकता होती है, उसी तरह कल मधेश को देश बनाने के लिए और उसको चलाने के लिए जो भी संरचना आवश्यक है, वही संरचना हम इस गठबंधन के मार्फत बना रहे हैं। यह एक संरचना है जिसमें अनेकों पार्टी भाग ले सकती है और वो भाग लेकर एक न एक दिन मधेश सरकार बनाएगी, मधेश का संसद बनेगा और वहां से स्वतंत्र मधेश घोषणा होकर मधेश देश के रूप में स्थापित होगा। तो यह उस किस्म की संरचना है और इसीलिए इसमें समावेश होने के लिए किसी को अपनी पार्टी छोड़ना नहीं पड़ता है। आप अपनी पार्टी में रह सकते हैं, आप जहां है वहां पर रह सकते हैं। गठबंधन के 3 आधार स्तंभ मानने वाले कोई भी व्यक्ति, पार्टी, संघ संस्था जो है, अपनी पार्टी में रहते हुए, अपने संघ संगठन में रहते हुए इस गठबंधन में समावेश हो सकते हैं। और आप यह नहीं सोचिए कि हम तो 30 वर्ष 40 वर्ष से राजनीति कर रहे हैं, 30 वर्ष 40 वर्ष से नेपाली राज में अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो कैसे छोड़ दे। मान लीजिए अगर 30 वर्ष से कोई भी आदमी लगातार SLC दे रहा हो और फेल होता रहा हो तो यह गौरव की बात नहीं है कि भाई हम तो 30 वर्ष से फेल होते रहे हैं, हम तो 30 वर्ष से SLC दे रहे हैं, यह गौरव की बात नहीं है। इससे हमें आगे बढ़ना होगा, इससे हमें आगे निकलना होगा। और इस गठबंधन में कोई फूट की राजनीति नहीं है क्योंकि गठबंधन का लक्ष्य ही शांतिपूर्ण मार्ग द्वारा मधेश को आजाद करना है। और वह आजादी जब मिलेगी तो सभी को मिलेगी, यह कोई नेता, कोई पार्टी, कोई संघ संगठन विशेष को नहीं मिलेगी। इसीलिए यह आजादी आंदोलन सभी का आंदोलन है, यह कोई व्यक्ति विशेष का आंदोलन नहीं है या कोई नेता विशेष का आंदोलन नहीं है या किसी एक पार्टी या संघ संगठन का आंदोलन नहीं है, यह संपूर्ण मधेशी का आंदोलन है। और इसमें आजादी मिलने पर सभी को आजादी मिलेगी। इसमें कोई एक पार्टी को, एक नेता को, एक संघ संगठन विशेष को लाभ होने वाला नहीं है। इसीलिए इसमें कोई फूट भी नहीं है। फूट रहता है वहां पर जब पार्टी चुनाव लड़ती है, जब पार्टी में मंत्री बनने का होड़ चलता है, वहां पर लड़ाई झगड़ा, वहां पर फूट की राजनीति होती है। लेकिन यह मंत्री बनने की राजनीति नहीं है, यह आजाद होने की राजनीति है, यह संपूर्ण जनता की राजनीति है, यह जन जन से जुड़ी हुई राजनीति है। गठबंधन की संरचना इस तरह से बनाई गई है कि कल जब मधेश देश बनेगा उसको चलाया जा सके, क्योंकि देश चलाने के लिए
बहुत कुछ आवश्यक होता है, तो वह संरचना, वह हम इस संरचना के मार्फत तैयार कर रहे हैं। गठबंधन की योजना में 5 चरण आता है। पहला चरण होता है संजीवनी का, यानी कि हमें आजादी ही क्यों चाहिए, मधेश की आधारभूत समस्या क्या है, आजाद होने पर क्या होगा, इस बात को जन जन तक पहुंचाना, जन जन तक लोगों को जागृत करना, जन जन तक मधेश के इतिहास, संस्कृति, इस बात पर जन चेतना फैलाना और उसे पुनर्जीवित करना, यह संजीवनी के चरण में आता है। यानी कि एक हिसाब से जन चेतना फैलाकर लोगों को सजीव करना, लोगों को जागृत करना, यह संजीवनी का चरण होता है। दूसरा चरण है संगठन का, यानी कि लोगों को जागृत करने के बाद वहां पर लोगों को संगठित करना, यानी कि गांव-गांव में, वार्ड-वार्ड में संगठन बनाना, समिति बनाना और उसे सक्रिय रखना, यह दूसरे चरण की बात है। और यह और लोगों को जागृत करने के बाद ही संगठन बनाना उपयुक्त होता है। तीसरा चरण है संवर्धन का, यानी कि संवर्धन के चरण में आवश्यक जनशक्ति को तैयार करना, उसे तालीम देना, कल देश चलाने के लिए जो भी जनशक्ति चाहिए उसे तैयार करना, जो भी आधारभूत, अत्यावश्यक आधारभूत भौतिक संरचना है उसे भी निर्माण करना, संगठन को एकदम विस्तार करना, यह संवर्धन के चरण में आता है, तीसरे चरण यानी कि संवर्धन में। और इस तरह से संजीवनी, संगठन और संवर्धन के चरण मार्फत हम सब अगर पूरी तैयारी कर लेते हैं, जब पूरी तैयारी होने के बाद हम सब क्या करेंगे, चौथे चरण में प्रवेश करेंगे, संघर्ष के चरण में। और इसमें एक महा आंदोलन की बात है और वह आंदोलन के जरिए से हम सब मधेश को स्वतंत्र करेंगे। वह महा आंदोलन जनमत संग्रह के रूप में हो सकता है, अपने निर्वाचन कराने के रूप में हो सकता है। तो उस महा आंदोलन के जरिए हम सभी संपूर्ण मधेशी जनता मिलकर मधेश को स्वतंत्र करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करेंगे कि वह स्वतंत्र मधेश देश को मान्यता दे। और पांचवा चरण है संरक्षण का, यानी कि मधेश जब स्वतंत्र हो जाएगा उसे संस्थागत करने की जिम्मेवारी भी हमारी है, यानी उसे यूनाइटेड नेशंस में दर्जा कराना, विभिन्न देशों में जाकर कूटनीतिक नियोग खोलना, ये सब काम जो है संरक्षण के चरण में, यानी कि पांचवें चरण में आते हैं। तो इस तरह से हम सब 500 संजीवनी, संगठन, संवर्धन, संघर्ष और संरक्षण, 500 के चरण से हम सब गुजरते हुए स्वराज हासिल करेंगे, स्वतंत्र मधेश हासिल करेंगे और उसको स्थापित करेंगे। स्वतंत्र मधेश गठबंधन की औपचारिक घोषणा जो है वह 2069 साल जेठ 8 गते काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करके की गई थी, यानी कि लगभग 4 बरस हुए हैं। हालांकि स्वतंत्र मधेश के पक्ष में हम सब लगभग 2057 साल से ही काम करते आए हैं, उसी समय से योजना बनाते आए हैं। उस समय में जब ऋतिक रोशन कांड हुआ तो उस समय में हम काठमांडू में थे, इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे और उसी समय से यह विचार का प्रादुर्भाव हुआ और उसी समय से हम सब स्वतंत्र मधेश के लिए योजना बनाते रहे हैं। जैसे कि आप स्वतंत्र मधेश की जो झंडा देखते हैं, यह उसी समय डिजाइन किया गया झंडा है। तो इस तरह से हम सब उसी समय से भीतर ही भीतर काम कर रहे थे। उसके बाद 2063 साल में जब नेपालगंज में घटना हुई, उस समय में हम सब ने एरिम कहके संगठित होने का प्रयास किया था। एरिम का फुल फॉर्म अलायंस फॉर राइट्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ मधेश, और अभी वही नाम और संक्षिप्त होकर अलायंस फॉर इंडिपेंडेंट मधेश हुआ है, यानी एम हुआ है। तो हम सब कहीं न कहीं बहुत पहले से ही स्वतंत्र मधेश के पक्ष में
काम करते आए हैं, संगठित होते आए हैं, लेकिन औपचारिक रूप से और खुला रूप से जो है इसकी घोषणा 2069 साल जेठ 8 गते काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करके की गई थी। और तभी से लेकर अनेकों चरण में अपनी योजना के तहत हम सब ने काम को आगे बढ़ाया है और काफी उपलब्धि भी हुई है। इन उपलब्धियों में स्वतंत्र मधेश के विचार को जन जन तक पहुंचाना रहा है और इसको एक मूल मांग के रूप में मधेशी जनता के बीच में और नेपाल की राजनीति के बीच में स्थापित करना रहा है। उसी तरह स्वतंत्र मधेश की मांग को हम सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब स्थापित कर चुके हैं। उसी तरह स्वतंत्र मधेश के पक्ष में 10,000 15,000 की जनसभा भी बहुत जगह हो चुकी है। उसी तरह स्वतंत्र मधेश के लिए आवश्यक जनशक्ति का निर्माण, महा आंदोलन के लिए आवश्यक जनशक्ति का निर्माण भी बहुत ही जगह पे हुआ है और यह बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है। और उसी तरह गठबंधन की योजना के तहत ही मधेश में बहुत ही क्षेत्रों में एक पुनर्जागरण अभियान चलाया गया है, चाहे वह इतिहास के क्षेत्र में हो, भाषा के क्षेत्र में हो, संस्कृति के क्षेत्र में हो, एक तरह से मधेश का पुनरुत्थान का अभियान शुरू हुआ है, पुनर्जागरण शुरू हुआ है, रेनिजेंस शुरू हुआ है और मधेश को हरेक आयाम में सशक्त करने के लिए प्रयास जारी है। और यह स्वराज अभियान जो है, आजादी आंदोलन जो है, बहुत ही सशक्त तरीके से आगे सफलता की ओर बढ़ रहा है। आज गांव-गांव में आजाद मधेश के नारे गूंजते हैं, गांव-गांव में आजाद मधेश के झंडे लहरा रहे हैं। मधेशी जनता आजादी के लिए बहुत ही उत्साहित है और सफलता की ओर बढ़ रही है।